हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स के बारे में इसको हम हिंदी में कहेंगे आयनिक ठोसों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक तो देखिए सबसे पहला फैक्टर डिस्कस करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट या विलायक का तो देखिए किसी भी सॉल्वेंट द्वारा आयनिक चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की जो कैपेसिटी है उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं अब देखिए अगर किसी भी सॉल्वेंट के लिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है तो उस सॉल्वेंट की डिसोल्यूशन कैपेसिटी भी क्या होगी ज्यादा होगी मींस वो सॉल्वेंट ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है जैसा कि अगर हम वाटर के केस में देखें तो वाटर के केस के लिए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है वो होती है लगभग एटी कुछ बुक्स में आपको एटी वन भी मिल सकती है तो वाटर मोस्ट ऑफ कंपाउंड को डिजोल्व करने की कैपेसिटी रखता है इसलिए वाटर को हम गुड सॉल्वेंट मान सकते हैं या हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट या सार्वभौमिक विलायक भी कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड्स हैं वो वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं अब अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें तो इसके लिए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू 92 होती है जो कि वाटर से ज्यादा होती है लेकिन फिर भी H2O2 एक गुड सॉल्वेंट नहीं होता है अब इसका रीजन क्या होता है देखिए H2O2 जो है वो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और नॉर्मल टेम्परेचर पर वो डिकम्पोज हो जाता है देखिए एच H2O और ऑक्सीजन में इस तरह से डिकम्पोज हो जाता है इसलिए हम एच टू ओ टू को गुड सॉल्वेंट नहीं मान सकते इसी तरह से अगर हम एच एफ की बात करें तो इसके लिए भी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है लेकिन उसके बाद भी इसको हम गुड सॉल्वेंट नहीं कह सकते क्योंकि एच एफ जो है वो वाटर के कंपेरिजन में वीक बेस होता है क्योंकि एच एफ में फ्लोरीन प्रेजेंट होता है अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है तो फ्लोरिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव नहीं करेगा और वो एक वीक बेस की तरह काम करेगा इसलिए HF को हम गुड सॉल्वेंट नहीं कह सकते तो देखिए इस पॉइंट का कंक्लूजन क्या हुआ किसी भी सॉल्वेंट के लिए अगर डाई कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है और वो स्टेबल होता है तो वो सॉल्वेंट मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स को डिजोल्व करने की कैपेसिटी रखता है अब डिस्कस करते हैं आयनिक साइज या आयनिक आकार के बारे में तो देखिए किसी भी आयनिक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी उसकी लेटिस एनर्जी और उस सॉल्वेंट की सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं अगर किसी भी आयनिक सॉलिड के लिए लेटिस एनर्जी की वैल्यू सॉल्वेशन एनर्जी से ज्यादा होती है तो उस केस में वो इनसॉल्युबल रहेगा और अगर लेटिस एनर्जी की वैल्यू सॉल्वेशन एनर्जी से कम होती है तो वो आयनिक सॉलिड उस सॉल्वेंट में इजीली डिजोल्व हो जाएगा अब अगर हम लेटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो ये दोनों आयनिक साइज पर डिपेंड करती है अब यहां पर आयनिक साइज में हम कैटाइन की साइज भी ले सकते हैं और एनाइन की साइज भी ले सकते हैं कहने का मतलब है ये दोनों एनर्जी कैटाइन की साइज और एनाइन की साइज दोनों पर डिपेंड करती है अब अगर हम बॉन्ड लैंडे इक्वेशन को देखें तो उसके अकॉर्डिंग लेटिस एनर्जी और आयनिक साइज में ये रिलेशनशिप होती है यहां पर U हो जाएगा एनर्जी r प्लस हो जाएगा रेडियस ऑफ कैटाइन और r माइनस हो जाएगा रेडियस ऑफ एनाइन तो कह सकते हैं किसी भी आयनिक सॉलिड की लेटिस एनर्जी कैटाइन की रेडियस और एनाइन की रेडियस के सम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अब अगर इन दोनों की वैल्यू बढ़ती है तो उसके इसमें लेटिस एनर्जी कम होगी या अगर कैटाइन और एनाइन की साइज कम होती है तो उस केस में लैटिस एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम कह सकते हैं कैटाइन की रेडियस और एनाइन की रेडियस में अगर चेंजेस आते हैं तो वो उस आयनिक सॉलिड की लेटिस एनर्जी को भी अफेक्ट करता है अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी एंड आयनिक साइज के बीच में तो देखिए यहां पर सॉल्वेशन एनर्जी कैटाइन की रेडियस और एनआईन की रेडियस के इनवर्सल प्रोपोर्शनल होती हैं लेकिन ये दोनों इसको इंडिविजुअली अफेक्ट करती हैं यहाँ पर एसई हो जाएगा सॉल्वेशन एनर्जी और अगर हम सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर लेते हैं तो उसके लिए हम हाइड्रेशन एनर्जी टर्म यूज करेंगे अब देखिए इन दोनों फार्मूले के बेसिस पर हम किसी भी आयनिक सॉलिड की सोलिबिलिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो देखिए यहां पर पहले हम लेंगे केस वन तो ऐसे आयनिक कंपाउंड जिसमें कैटाइन की साइज एनाइन के कंपेरिजन में बहुत ही छोटी होती है तो उनके लिए हम सोलिबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए यहां पर एनाइन की साइज बहुत बड़ी होगी तो उस केस में एनाइन पॉली एटोमिक होगा मींस वो सल्फेट हो सकता है कार्बोनेट हो सकता है फॉस्फेट हो सकता है तो इन पॉली एटोमिक एनाइन की रेडियस क्या होती है बहुत बड़ी होती है तो उस केस में हम कैटाइन को क्या मान लेंगे नेग्लिजिबल मान लेंगे तो हम क्या देंगे r प्लस की जो वैल्यू है वो r माइनस से बहुत कम है तो यहां हम इसको जीरो मान लेंगे तो देखिए इक्वेशन वन क्या थी वन अपॉन r प्लस प्लस r माइनस तो यहां पर हम r प्लस को क्या मान रहे हैं नेग्लिजिबल मान रहे हैं तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी r माइनस या एन की रेडियस पर अब देखिए अगर हम टिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप देखें तो जब लैटिस एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इसी तरह से लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम होती है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी अब देखिए इक्वेशन थ्री के अकॉर्डिंग अगर एनायन की साइज बड़ी होती है तो उसके इसमें लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अब लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल कुछ एल्कि मेटल्स हेलाइड हैं जिसमें हमने लिथियम फ्लोराइड लिथियम क्लोराइड लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड के एग्जाम्पल लिए हैं अब यहाँ पर कैटाइन क्या है लिथियम है और लिथियम की साइज क्या होती है बहुत ही स्मॉल होती है लेकिन अगर हम हेलोजेंस की बात करें तो हेलोजन लिथियम के कंपैरिजन में क्या होते हैं बड़ी साइज के होते हैं अब अगर हम इन चार हेलाइड आयन की बात करें तो फ्लोरीन की साइज क्या होती है सबसे छोटी होती है और आयोडाइड आयन की साइज सबसे बड़ी होती है तो देखिए आयोडाइड आयन की साइज बड़ी है तो उस केस में इसके लिए लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी कम होगी और लैटिस एनर्जी की वैल्यू जब कम होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी सबसे ज्यादा होगी तो यहाँ पर लिथियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी अब बात करते हैं इक्वेशन टू की अब देखिए इक्वेशन टू में हम लिखते हैं वन अपॉन आर प्लस प्लस वन अपॉन आर माइनस देखिए हमने क्या माना था आर प्लस की जो वैल्यू है वो आर माइनस से बहुत कम है लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वन अपॉन आर माइनस आर माइनस की वैल्यू क्या है बहुत ज्यादा है तो वन अपॉन आर माइनस को हम क्या मान सकते हैं नेग्लिजिबल मान सकते हैं तो यहाँ पर जब हम वन अपॉन आर माइनस को नेग्लिजिबल मानेंगे तो सोलवेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कैटाइन की रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी तो हम कह सकते हैं अगर कैटाइन की साइज स्मॉल होती है तो उस केस में सॉल्वेंट की सॉल्वेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उस आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी देखिए अगर हम सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप देखें तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लेकिन लैटिस एनर्जी सॉलिबिलिटी के इनवर्सल प्रोपोर्शनल होती है तो हम कह सकते हैं लेटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स का तो देखिए यहां पर एम जी प्लस टू की साइज सबसे स्मॉल होगी और बेरियम प्लस टू की साइज सबसे बड़ी होगी अब देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया है अगर कैटायन छोटा होता है तो सॉल्वेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी और सॉल्वेशन एनर्जी की वैल्यू जब बढ़ती है तो कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी अब देखिए कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें कैटाइन की साइज बड़ी होती है फिर भी वो हाई सॉल्युबिलिटी शो करते हैं अभी हमने डिस्कस किया था अगर कैटाइन की साइज स्मॉल होती है तो वो हाई सॉल्युबिलिटी शो करेगा लेकिन इन कंपाउंड्स के केस में ये फैक्टर एप्लीकेबल नहीं होता है अब इसके लिए कुछ थर्मोडाइनमिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिसमें एंट्रोपी चेंज एक मेन फैक्टर हो सकता है देखिए इस एग्जाम्पल में सीजियम सबसे बड़ा है लेकिन फिर भी उसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा है तो इसका रीजन क्या हो जाएगा एंट्रोपी चेंज अब डिस्कस करते हैं सेकंड केस अब अगर किसी भी आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन की साइज लगभग सेम है मींस कह सकते हैं कैटायन और एनायन दोनों मोनो एटोमिक है तो उस केस में हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को एज इट इज यूज करेंगे उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे अब देखिए इस केस में अगर आर प्लस और आर माइनस दोनों की वैल्यू बढ़ती है तो यू की वैल्यू क्या होगी कम होगी इसी तरह से इसमें भी अगर इन दोनों की वैल्यू बढ़ती है तो यहां पर सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी अब देखिए लैटिस एनर्जी भी कम हो रही है और सॉल्वेशन एनर्जी भी कम हो रही है तो इस केस में हम क्या करेंगे लेटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया है आयनिक सॉलिड की सॉलिबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लेटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी को कंपेयर करते हैं अगर लेटिस एनर्जी ज़्यादा होती है तो उस केस में आयनिक सॉलिड इनसॉल्युबल होगा और अगर सॉल्वेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उस केस में वो आयनिक सॉलिड सॉल्युबल रहेगा तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है यहां पर कैटाइन और एनाइन लेटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी दोनों को ही अफेक्ट करते हैं और अगर कैटाइन एन और एनाइन दोनों की साइज इंक्रीज होती हैं तो उसके में यू और सॉल्वेशन एनर्जी दोनों की वैल्यू कम होती है अब देखिए यहां पर दोनों एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती हैं तो उसमें भी लेटिस एनर्जी की जो वैल्यू है वो सॉल्वेशन एनर्जी के कंपैरिजन में ज़्यादा डिक्रीज होगी तो इस केस में जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी तो ये हो जाएगी कुछ एल्ली मेटल हेलाइट की सोलिबिलिटी अब देखिए जैसा कि हमने केस वन में डिस्कस किया था अगर एनआईन की रेडियस बढ़ती है तो उस केस में लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होती है कम होती है और सॉलिबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग सोलिबिलिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए लेकिन यहाँ पर कैटाइन और एनआईन की रेडियस क्या है अप्रोक्स सेम है यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो उस केस में आप इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर का यूज नहीं कर सकते अब देखिए केस केस फर्स्ट और सेकंड के एग्जाम्पल का हम कंपेरिजन करते हैं केस फर्स्ट में हमने इन मेटल्स हैलाइड का एग्जाम्पल लिया था जिसमें कि जो सीक्वेंस था वो इस तरह से आया था उसमें हमने पढ़ा था अगर हेलाइड आयन की रेडियस बढ़ती है तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होती है कम होती है और सोलिबिलिटी का ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा अब के सेकंड में हमने क्या पढ़ा था अगर कैटाइन और एनाइन की रेडियस सेम होती है तो उस केस में हम लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो यहां एप्लीकेबल नहीं होगा देखिए अगर हम लिथियम के एलाइड की बात करें तो उनके लिए लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की ये वैल्यू रहेगी अब लिथियम फ्लोराइड की बात करते हैं तो लिथियम फ्लोराइड की सोलिबिलिटी क्या होती है सबसे कम होती है अब इसका रीजन क्या होता है देखिए इसके लिए लेटिस एनर्जी की वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होती है यहाँ पर नेगेटिव साइन रिलीज होने वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो देखिए लेटिस एनर्जी की वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है तो इस केस में लिथियम फ्लोराइड सोल्यूबल नहीं होता है अब अगर हम लिथियम आयोडाइड की बात करें तो इसके लिए लेटिस एनर्जी की वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से कम होती है तो इस केस में लिथियम आयोडाइड इजीली सॉल्यूबल हो सकता है अब अगर हम सीजियम फ्लोराइड की बात करें तो सीजियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है सबसे कम होती है इसका रीज़न क्या होता है देखिए सीजियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी से कम होती है तो हाइड्रेशन एनर्जी जब लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर देती है तो उस केस में वो कंपाउंड सॉल्युबल हो जाता है इसी तरह से सीजियम आयोडाइड की बात करें तो इसके लिए लैटिस एनर्जी की वैल्यू हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है तो लेटिस एनर्जी की वैल्यू जब हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होती है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा इनसॉल्युबल हो जाएगा तो देखिए अगर हम किसी भी आयनिक सॉलिड की सोलिबिलिटी की बात करें तो सारे कंपाउंड्स के लिए हम उसकी सॉलिबिलिटी को थ्योटिकल फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते थ्योटिकल कैलकुलेशन कुछ कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल हो सकती है इसलिए आयनिक सॉलिड की सोलिबिलिटी को हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर सकते हैं तो देखिए अगर आपके पास लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू है तो आप किसी भी आयनिक सॉलिड के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो लेकिन अगर आपके पास इनकी वैल्यूज नहीं है तो आप सारे कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते कुछ कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी आप केस वन और केस टू के बेसिस पर फाइंड आउट कर सकते हो लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये केस सारे कंपाउंड पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं अब देखिए इनका रीजन क्या होता है जैसा कि मैंने डिस्कस किया है जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी सोलिबिलिटी को कुछ थर्मोडाइनमिक फैक्टर्स जैसे एंट्रोपी हो गई एनथेल्पी हो गई ये भी अफेक्ट करते हैं तो इस वजह से इन इक्वेशंस को सारे कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते अब लेते हैं नेक्स्ट फैक्टर आयनिक चार्ज या आयनिक आवेश अब अगर हम बॉन्ड लाडे इक्वेशन को देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो लैटिस एनर्जी है वो कैटाइन के चार्ज और एनायन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मीन्स कैटाइन और एनाइन पर जितना चार्ज बढ़ता है उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी अब देखिए लैटिस एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है तो उस आयनिक सॉलिड की सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम पर प्लस टू और सल्फेट पर माइनस टू होता है तो ज्यादा चार्ज होने की वजह से कैल्शियम सल्फेट वाटर में इनसोलिबल होता है इसी तरह से अगर हम एल्यूमिनियम फॉस्पेट की बात करें तो एल्यूमिनियम पर प्लस थ्री और फॉसफेट पर माइनस थ्री चार्ज प्रजेंट होता है अब देखिए ज्यादा चार्ज प्रजेंट होगा तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स भी क्या होगा ज्यादा होगा तो इनमें हम कह सकते हैं लेटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी और जब इनको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो सॉल्वेशन एनर्जी इस लैटिस एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पाती है तो इस वजह से ये कंपाउंड वाटर में इनसोल्यूबल रहेंगे अगर हम लिथियम आयोडाइड की बात करें तो उस केस में लिथियम पर प्लस वन और आयोडाइड पर माइनस वन प्रेजेंट होता है ये चार्ज कम है इसलिए इनके बीच में वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और ये वाटर में इजीली सोल्युबल हो जाते हैं अब लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन बॉन्ड बंद में आंशिक सहसंयोजक लक्षण अब देखिए जैसा कि हम बढ़ते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो आयनिक बॉन्ड होता है वो 100% प्योर नहीं होता है कहने का मतलब उसमें आयनिक बॉन्ड के साथ कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होते हैं जिनको हम पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर कहते हैं अब देखिए किसी भी कंपाउंड के लिए कोवेलेंट कैरेक्टर को हम पोलराइजेशन के बेसिस पर समझ सकते हैं अब पोलराइजेशन अगर ज्यादा होता है तो उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे अब कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ते हैं तो उस आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने पर उसमें नॉन पोलर कैरेक्टर आ जाते हैं और नॉन पोलर कंपाउंड सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता है अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं एजीसीएल सीयूसीएल और एच जी सी एल टू का तो इन कंपाउंड में जो कैटाइन है वो हो जाएंगे एजी प्लस प्लस टू और एच जी प्लस टू ये तीनों कैटाइन सीडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन रखते हैं और इनकी वजह से इनमें हाई पोलराइजिंग पावर होता है अब ये क्या करते हैं एनाइन को ज़्यादा पोलराइज करते हैं उसकी वजह से उसमें कोवेलन कैरेक्टर बढ़ जाते हैं कोवेलन कैरेक्टर बढ़ने के कारण इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है इसलिए ये तीनों जो कंपाउंड हैं वो वाटर में लेस सॉल्युबल रहेंगे अब देखिए शीडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन इसके पोलराइजिंग पावर को कैसे अफेक्ट करता है तो उसके लिए आप रूल वाला वीडियो देख सकते हैं उसमें यह पॉइंट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अब नेक्स्ट लेते हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन देखिए कई बार कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट की पीएच पर भी डिपेंड करती है अब देखिए अगर हम कुछ वीक एसिड के सॉल्व की बात करें जैसे फॉस्पेट हो गए या ऑगजलेट हो गए वो वाटर में क्या होते हैं इनसॉलिबल होते हैं लेकिन अगर वाटर की पीएच हम एसिडिक बना दें तो उस केस में ये सॉल्ट क्या हो जाएंगे सोलबल हो जाएंगे अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम कैल्शियम ऑक्जीलेट का देखिए कैल्शियम ऑक्जीलेट जो है वो जनरली वाटर में इनसॉलिबल होता है लेकिन अगर हम वाटर की पीएच एसिडिक कर दें तो उस केस में ये वाटर में इजीली सॉल्यूबल हो जाएगा देखिए कैल्शियम ऑक्जीलेट क्या करेगा जो H प्लस आयन है उसके साथ रिएक्शन करके ऑक्जलिक एसिड और कैल्सियम प्लस टू आयन बना देता है अब नेक्स्ट लेते हैं प्रजेंस ऑफ कॉमन आयन आयन की उपस्थिति तो, तो देखिए अगर किसी भी सॉल्वेंट में उस आयनिक सॉलिड का कॉमन आयन प्रजेंट होता है तो उस केस में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी देखिए जैसे अगर हम बात करें एनएसएल को हम एच में डिजोल्व करते हैं तो ये इजिली डिजोल्व हो जाता है इसी तरह से अगर हम वाटर में एच मिला दें तो एन की सोलिबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड आयन एन में भी है और एच में भी प्रजेंट है तो कॉमन आयन की वजह से एनए सी की सॉलिबिलिटी वाटर में कम हो जाएगी क्योंकि कॉमन आयन की प्रजेंस में जो इक्लिबीरियम है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है अब नेक्स्ट लेते हैं टेम्परेचर देखिए अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है तो उस केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक है और वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है अब देखिए जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा एनर्जी का अमाउंट मिलेगा इस वजह से सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी ये हो जाएंगे इनके कुछ एग्जाम्पल्स इसी तरह से अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो उस केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि प्रोसेस क्या है एक्सोथर्मिक है वहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहाँ पर एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उस केस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो ये हो गए फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स के बारे में